हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन को। बेटा, क्लास 8 के सारे साइंस जो है सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस के चेक कर सकते हैं। साथ ही आपकी साइंस के साथ हिंदी भी कंप्लीट है और मैथ्स जो है आपका चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू मेक द फूड अवेलेबल टू द लार्ज पॉपुलेशन, व्हाट मेजर शुड बी टेकन? ए रेगुलर फूड प्रोडक्शन, बी प्रॉपर मैनेजमेंट, सी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो फूड अवेलेबल है लार्ज पॉपुलेशन के लिए तो कैसे रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आपको जो दिया है ए बी सी, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। हम उसको रेगुलर फूड प्रोडक्शन भी करें, प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट भी करें और प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच सीजन रबी क्रॉप्स आर शोन, किस सीजन में रबी क्रॉप्स को शोन किया जाता है, उगाया जाता है? ऑप्शन ए है समर, बी है विंटर, सी रैनी, डी ऑटमन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है रबी, जो क्रॉप है वो विंटर में उगाई जाती है। आप याद रखो रबी, आर से रबी और डब्ल्यू से विंटर, आर से रबी, आर से रजाई, रजाई कब ओढ़ते हैं हम? विंटर में ओढ़ते हैं ना, तो इसलिए हमारी रबी क्रॉप्स कब ग्रो की जाती है, शो की जाती है? विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पैडी क्रॉप इज क्लासीफाई एज, पैडी क्रॉप को क्लासीफाई किया गया किस में? ए रबी क्रॉप, ये रबी है ठीक है, इसको बी बना लेना, रबी क्रॉप, बी खरीफ क्रॉप, सी डॉट क्रॉप, डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नहीं है? ए शोइंग, बी इरीगेशन, सी स्टोरेज, डी ट्रांसपोर्टेशन। देखो ए क्या हो गया हमारा? सोइंग, बीजों को बोना, इरीगेशन हमारा सिंचाई हो गया, सी स्टोर करना और डी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे जो एग्रीकल्चर पार्टिकल्स हैं उसका जो ये नहीं है, पार्ट नहीं है, वो कौन नहीं है? वो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आशास अंकल इज ट्रैवल द फील्ड बिफोर शोइंग द सीड, ही इज यूजिंग वन ऑफ द मेन टूल्स। उन्होंने क्या किया है? लेवलिंग करना है फील्ड को बिफोर द सोइंग, बीजों को उगाने से पहले उन्होंने क्या किया? मेन टूल का यूज़ किया इस पर्पज़ के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, उस टूल का नाम क्या है जो एग्रीकल्चर टूल यूज़ किया? ए प्लो, बी हो, सी कल्टीवेटर, डी सी ड्रिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, ऐसे प्रोसेस जिसमें से हम ग्रेन को चाफ में से अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए थ्रेसिंग, बी इरिगेशन, सी हार्वेस्टिंग, डी सोइंग। तो देखो इरिगेशन मीन्स पानी डालना, सी हार्वेस्टिंग जो है इसका मतलब फसलों को काटना, सोइंग मीन्स बीजों को बोना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो गया? ए थ्रेसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। हरमन फाउंड लैंड अ वेरी ड्राई ड्यूरिंग द टिलिंग, हरमन ने देखा कि वो टिलिंग के टाइम में बहुत सूखी थी, ठीक है, और व्हाट शुड ही डू टू मेक इट लेस हार्ड, तो उसको कम हार्ड जो है कैसे करेगा बिफोर प्लोइंग, हल चलाने से पहले? ए एड मैनवर, बी यूज स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, सी वाटरिंग, डी वीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी वाटरिंग, पानी डाल करके उसको थोड़ा सा क्या कहेंगे करेंगे पहले उसको थोड़ा गीला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। सलीम्स मदर पुट सम ग्राम सीड इन वाटर, शी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम ऑल सीड्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, व्हाट विल बी द पॉसिबल रीज़न? सलीम्स की जो माँ हैं उन्होंने ग्राम सीड में चना, ठीक है, उसको पानी में डाला, उसके कुछ समय के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ सीड तो ऊपर जो है वाटर के सरफेस पे फ्लोट होने लगे, तो क्या रीज़न था? ए अनहेल्दी सीड्स थे, बी हेल्दी सीड्स थे,
सी सम आउट ऑफ देम हेल्दी और रिमेन अनहेल्दी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। जितने भी, अगर मान लो हम इस वाटर में सीड्स डालेंगे और थोड़े समय के बाद क्या हो, ठीक है, वाटर के अंदर ये सीड्स डाले हुए हैं, अब थोड़े समय के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे सीड्स जो है पानी के ऊपर यहाँ फ्लॉट करने लगेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो सीड्स अनहेल्दी है, उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर वही सीड जो है वाटर में नीचे नीचे हो जाते तो इसका मतलब वो क्या है, हेल्दी सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ए इरिगेशन, बी हार्वेस्टिंग, सी प्लोइंग, डी वीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी प्लोइंग, मीन्स हल चलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू रिमूव वीड्स एंड टू लूज द सॉइल, मतलब आपने उस टूल का नाम बताना है जिससे वीड्स मीन अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना है, साथ में सॉइल को लूज करना है। तो ए कल्टीवेटर, बी प्लो, सी सीड ड्रिल, डी हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज़ करेंगे वीड्स को रिमूव करके सॉइल को लूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुलविंदर कौर सा हर मदर पुटिंग सम ड्राई लीव्स ऑफ द नीम इन द कंटेनर कंटेनिंग, ठीक है, तो कुलविंदर की माँ ने देखा कि उसकी माँ जो थी वो कुछ सूखी नीम की पत्तियाँ जो है कंटेनर में रखती थी, जिसमें सामान कुछ रखा होता था। क्या रखा होता था? वीट ग्रेन। अब वाई शी डिड सो, वो ऐसा क्यों करती थी? ए टू मेंटेन द कलर ऑफ द ग्रेन, बी टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द ग्रेन, सी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है, और डी नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर इसका क्या है? देखो, नीम की पत्तियाँ जो होती हैं ना, ये हमारे जो अनाज होते हैं, किसी भी चीज़ को जहाँ भी हम इसको रखेंगे तो ये माइक्रोब्स से उसको बचाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट एडवाइज द फार्मर ऑफ अवर विलेज टू कल्टीवेट द लिग्यूमिनस क्रॉप टू रिप्लेनिश द डेफिशिएंसी ऑफ द सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मतलब उन्होंने कहा लिग्यूमिनस जो है क्रॉप लगाने पे, लिग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, जैसे मटर डाल लें, ठीक है, पी प्लांट, ये सारे लिग्यूमिनस होते हैं, इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। तो इसका आंसर वैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाते बता चुकी हूँ, तो राइट आंसर क्या है इसका? सी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13, रिलेटिव ऑफ द राहुल रिसाइड इन द राजस्थान वर द सेक्सिटी ऑफ द रेन इज द ऑब्जर्व विच मैथड ऑफ द इरीगेशन विल बी मोर इफेक्टिव इन द सिचुएशन। राहुल जहाँ रहता है राजस्थान में, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर इरीगेशन का कौन सा मैथड यूज़ करेंगे? ए स्प्रिंकल मैथड, डी ड्रिप सिस्टम, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल बूंद बूंद करके पानी जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो खेतों में पानी कम जाएगा, और हम स्प्रिंकल सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। मोटर से जब पानी जाता है ना, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पाइपलाइन होती है और उसमें बूंद बूंद करके पानी निकलता है, और स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे जो है ऐसे ऊपर पाइप लगी हो तो इसके साथ क्या होता है, ऐसे फव्वारे की तरह निकलता है पानी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्रिप सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम होता है, ये आप देख सकते हो फिगर में। ठीक है, ये जो है आपका ये फर्स्ट फिगर यहाँ पर ड्रिप सिस्टम है, और ये क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपका स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों ही सिस्टम यूज़ करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गुरमीत फाउंड हिज फादर रिमूविंग सम अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द मेन क्रॉप, व्हाट आर दिस अनवांटेड प्लांट कॉल्ड। गुरमीत ने देखा कि उसके फादर कुछ रिमूव कर रहे हैं अनवांटेड प्लांट मेन क्रॉप के साथ जो कि उग गए,
अब ये अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं? ए लिग्यूमिनस प्लांट, बी वीड्स, सी बुशेस, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है वीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द केमिकल फर्टिलाइजर? ए केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड अप ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड, बी केमिकल फर्टिलाइजर आर मेड इन द फैक्ट्रीज, सी केमिकल फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, डी केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। अब यहाँ पर आपको जो है रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये केमिकल फर्टिलाइजर में कार्बनिक कंपाउंड से बना होता है, बिल्कुल नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2,4-D इज ए टाइप ऑफ, ए वीडिसाइड, बी मैनवर, सी इंसेक्टिसाइड, डी फर्टिलाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वीडिसाइड। जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं ना, उनको वहाँ से हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ इरीगेशन? इरीगेशन के क्या इंपॉर्टेंट है? ए हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, सी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, इरीगेशन हम मतलब क्या होता है, पौधों को पानी डाल, मीन्स फसलों में पानी को डालना। ठीक है, अब उसमें हेल्प करते हैं उनको जर्मिनेशन में भी, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी, क्रॉप को गर्मी से, हवा से उससे बचाते, गर्म हवा से और सूखे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? ए यूजिंग फर्टिलाइजर, बी क्रॉप रोटेशन, सी ड्रिप इरिगेशन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है क्रॉप रोटेशन, मतलब हर बार फसल अलग अलग उगाना, एक जैसी फसलों को नहीं उगाना। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर लीड टू, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ए मोर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, बी लेस फर्टिलिटी, सी वाटर पोल्यूशन, डी बी एंड सी बॉ। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है, देखो, उसकी फर्टिलिटी भी लेस हो जाएगी और वाटर भी पोल्यूशन होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स? पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स किस में होता है? मैनुअर, बी वर्मी कंपोस्टिंग, सी फर्टिलाइजर, डी ऑल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी फर्टिलाइजर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एमसीक्यू आपने इंजॉय किए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है। नहीं समझा है तब भी मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।